हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोगों का स्वागत है। मेरे पास में एक चार्जर है जो कि चार्जिंग नहीं दे रहा है। ये देखिए, खुला भी नहीं है कभी, ये पहली बार खुलेगा। ये केबल M600 का भी है, पर कोई भी केबल हो रिपेयर करना चाहिए। तो इसको रिपेयर करेंगे दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कहाँ से क्या दिक्कत है। देखिए, कैपेसिटर भी इसका फट गया है, यानी उड़ गया है। तो आप लोग को बताएंगे, कोई भी रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं आप। तो आप लोग को बताएंगे कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, ये कैपेसिटर है, 2.2 का UF है और वोल्टेज है, वोल्ट है इसका 40 दिख रहा है, लेकिन 400 का वोल्ट होगा इसके में, 400 का वोल्ट होगा। देखिए, तो सबसे पहले कैपेसिटर को इसको साफ कर देंगे, फट गया है और बहुत सारे उड़ सकता है, कोई भी सा पार्ट्स उड़ा होगा, तो इसको भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर देख लेते हैं, 2.2 का UF और 400 वोल्ट का है कि नहीं मेरे पास में, शायद मिल गया। देखिए, यही है, तो इसी को लगाएंगे। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं जो फटा है, उसके बाद में इसको चेक करेंगे और कोई भी सामान उड़ गया होगा। सबसे पहले रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि चार्जिंग भी प्रॉब्लम होता है लेने में, तो भी आप रिपेयर कर सकते हैं। आउटपुट भी कभी वोल्टेज कम निकलता है, उसमें भी रिपेयर कर सकते हैं, नहीं लेगा तो उसमें भी रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी मोड में सेट कीजिएगा। सबसे पहले ये फ्यूज रजिस्टर है, इसको चेक करना पड़ेगा, जो कि कंटिन्यूटी बताना चाहिए। देखिए, चेक करते हैं, फटाफट चेक करते हैं, देखिए ठीक है। ये डायोड को भी चेक करेंगे और जितना भी ये रजिस्टर है सबको चेक करेंगे। एक जीनर डायोड है, इसको भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ये भी शॉर्ट हो जाता है चार्जर उड़ने पर में। ये रजिस्टर का भी चेक कर लेंगे, देखिए इस ठीक है। ये डाइवर्ट को भी चेक करेंगे, ये भी ठीक होगा, एक साइड नहीं बताया, दूसरी साइड बताएगा। देखिए, ये ठीक है, ये डाइवर्ट को भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। और दो रहता है ट्रांजिस्टर, चेक कर लेते हैं, जो कि एक NPN रहता है, एक PNP रहता है, ये भी शॉर्ट हो जाता है, ये भी ठीक है। तो दिखने में लगा कि सब ठीक है, पर एक बार इसको आप कैपेसिटर को लगाते हैं, उसके बाद में चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दर्शाया गया है, ये नेगेटिव है और इधर वाला पॉजिटिव है, क्योंकि वाइट में है वो नेगेटिव है। देखिए, यहाँ भी ये निशान लगाया हुआ है माइनस का, नेगेटिव का, तो नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में। तो सबसे पहले इसको लगाने के बाद में चेक करेंगे, तो सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से, इसको रंगा लगा देंगे। देखिए, रंगा लगा दिए हैं, अब इसको चेक करते हैं। देखिए, इसमें चेक करते हैं बोर्ड में, देखिए लाइट जल गया। अब इसमें आउटपुट कितना दे रहा है वो भी चेक करना है, क्योंकि 5 पॉइंट से ऊपर आना चाहिए, 5 पॉइंट से नीचे आएगा तो मोबाइल चार्ज नहीं करेगा। कहाँ कोई भी मोबाइल हो, फ्यूचर फ़ोन हो, फ्यूचर फ़ोन का ही है अधिकतर बोले तो ये चार्जर, क्योंकि स्मार्टफोन में चार्ज नहीं करेगा, छोटी फ़ोनों के लिए है। तो आउटपुट देख लेते हैं, कम से कम 5 वोल्ट
निकलना चाहिए, उससे कम नहीं हो, जहाँ तक ऊपर। तो मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं, देखिए 5.06 आ रहा है, यानी ठीक है। फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए यानी प्रॉपर ठीक है। इसी तरह से आप लोग रिपेयर कीजिएगा, जल्दी से इसको फिट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा। कोई भी चार्जर हो, चाहे स्मार्टफोन का चार्जर हो या फिर छोटी फोन का चार्जर हो, रिपेयर करने आप लोग आना चाहिए, इस तरह का वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो क्लियर हो गया, रिपेयर हो गया। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कॉल में सेट कर दीजिए। जो भी नए वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।